जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। एक नई अपडेट ये है कि बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी की सर्विस से जो एग्ज़ाम फॉर्म भराए जा रहे थे, शिक्षक भर्ती के जो फॉर्म भराए जा रहे थे, उसकी डेट बढ़ा दी गई है। अभी तक ये डेट अंतिम डेट 12 जुलाई रखी गई थी, लेकिन इसे 3 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। अब इसकी आखिरी तिथि 15 जुलाई रखी गई है, लेकिन आपको 15 का इंतज़ार नहीं करना है, बस यूँ समझ लीजिए कि आपको 14 तक का फॉर्म भरना है, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ज़्यादा सर्विस बिजी रहता है। तो ये आधिकारिक सूचना है दोस्तों, जो आपकी परीक्षा भर्ती के आवेदन की तिथि थी उसे 12 से 15 तक 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए ज़रा देखते हैं कि इस संबंध में और क्या खबर है, कौन सी ऐसी खबर आ रही है। तो देखिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग ने 1.7 लाख, मतलब 1,70,000 शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन करना चाह रहे अभ्यर्थियों की बड़ी राहत दी है। क्या राहत दी है दोस्तों? बीपीएससी ने आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। ये सूचना किसने दी? ये सूचना बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने यह जानकारी दी है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्वीट करके ये सूचना जारी करी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदन की तिथि 15 जुलाई 2023 यानी कि 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आज 10 तारीख है, आपके पास 5 दिनों का और मौका है, आप 5 दिनों तक और आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आयोग भी इससे परीक्षा भर्ती के अलावा इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी शुरू करेगा, और इसके बाद शिक्षक भर्ती के अन्य सभी परीक्षाओं का डेटा जितना संभव हो सकेगा उतना लिंक करा दिया जाएगा। गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC और राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC समेत देश के कई आयोग OTR सिस्टम की पहली शुरुआत कर चुके हैं। इससे आवेदन के समय अभ्यर्थी का समय बचता है। कहने का मतलब दोस्तों, दो मुख्य बातें हैं। पहली मुख्य बात यह है कि आपकी परीक्षा की तिथि आपके आवेदन की तिथि, जो अंतिम तिथि 12 जुलाई थी, उसे 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरा, OTR की जो बात की गई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, तो जब आप SSC का फॉर्म भरते हैं या UPSC का फॉर्म भरते हैं या UPBCS का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपने प्री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लेते हैं, बस केवल आवेदन करने होता है। तो BPSC अब खुद में भी ये करना चाहेगी कि वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेगी। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब जब भी किसी BPSC के जरिए कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको डायरेक्ट केवल वो अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ पे फिल होंगी। तो ये काम करने जा रहा है BPSC। तो ये सूचना थी, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि इसकी अंतिम तिथि अब बढ़ा के 12 जुलाई से 15 जुलाई कर दी गई है, 3 दिन बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इस संबंध में जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, वो आवेदन कर सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों को जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं, मुबारक हो, 3 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया आपको, अच्छी से तैयारी करिए। एग्जाम संभवतः, एग्जाम्स के डेट में कोई चेंजेस नहीं आया है, मैं ट्वीट पढ़ रहा था, तो संभवतः एग्जाम उसी डेट पर कराई जाएगी जो अगस्त के आखिरी सप्ताह में निर्धारित की गई है। तो अगस्त के आखिरी सप्ताह में एग्जाम कराने की संभावना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। BEd और CTET या फिर BPSC संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी आपको जल्द ही बताया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।